खान साहब से मुलाकात कब हो रही है? किस्मत में लिखा होता है कब होती है। जब खान से मुलाकात होगी तो क्या बोलोगे खान साहब? वो हमारे दिमाग में होगा। आप तो लड़की हो, लड़की से मिलो, मरियन वाज से मिलो जाके। अगर मैं लड़की हूँ तो इमरान खान किसी भी से भी मिलो ना। आपकी दुश्मन क्यों है मरियम? आप करीब बेटी पे इल्जाम लगा रही हो। हाँ। नमाज बोलना चाहिए। हाँ। शरीफ क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि वो बुड्ढा शरीफ नहीं है। अगर इसने सर्जरी नहीं करवाई होती ना, इतने बुड्ढे होते। कौन बुड्ढी होती? मरियम नवाज। इनको ये पता चलता है कि अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ए के आज़ाद, आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, मेरी ये दुआ है कि सबज हलाली परचम, इसकी जो कोई भी नामूस को पमाल कर रहा है और जो कोई भी इसके साथ खेल रहा है, आवाम उसे कबूल करने से इनकार कर दे और ये सबज हलाली परचम यूं ही लहराता रहे। मेरे साथ एक और नन्नी मुन्नी दुआ मौजूद है जिन्होंने 25 मई को शैल खाए, और एक खूबसूरत बात ये है कि अभी तक इनकी खान से कोई मुलाकात नहीं हुई। और अगली मैं बात आपको बताता चलूं कि ये सारी मैंने रुदात क्यों बयान की, ये इसलिए कि जुरताज गुल साहबा की ये बांझी हैं। अगर ये किसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोई लीडर की बांझी बेटी भतीजी होती तो आज तक कई मरतबा मरियम नवाज से, नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से मिल चुकी होती। और इसी तरह हमने खान साहब की बहनों को भी देखा कि वो भी आवाम के साथ जलसा गाह में मौजूद होते हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा ये वेट ही देते हैं खान साहब को कि खान साहब ने कम से कम अकरमा परवरी को फ़रोग नहीं दिया। हमारे साथ दुआ मौजूद हैं, 25 मई को इन्होंने शैल खाए, खान साहब ने इनकी वीडियो तो रीट्वीट की या ट्वीट की, लेकिन खान साहब ने अभी तक मुलाकात नहीं की। जबकि मैंने बताया जैसा कि जरताज गुल साहबा की ये बांझी हैं। हम दुआ से बात करते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। दुआ कैसे हो आप? ठीक। क्या लड़की हो? लड़की हो, मैं समझा आप शायद लड़के हो। लड़कियों वाले कपड़े पहनने क्यों पहने? अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ कि खान साहब से मुलाकात कब हो रही है? किस्मत में लिखा होता है कब होती है। जब खान से मुलाकात होगी तो क्या बोलोगे खान से? जो हमारे दिमाग में होगा। इस वक्त दिमाग में क्या है? जब इमरान खान से मिलूंगी तब आएगा ना, अभी तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, यानी कि तैयार कुछ नहीं करना, जो नाजल होगा वही। हाँ, अभी तो इंटरव्यू वाली दिमाग में। तो खान साहब से कब मुलाकात हो रही है? किस्मत में लिखा होता है। खान साहब से क्यों मिलना है? मिलना तो सबने होता है। सबने मिलना होता है। हाँ। और वो बात अच्छे हैं, चोरी नहीं है। तो आप तो लड़की हो, लड़की से मिलो, मरियम नवाज से मिलो जाके। अगर मैं लड़की हूँ तो इमरान खान किसी भी से भी मिलो ना। तो मिलो जाके, लेकिन मरियम से भी मिल सकते हो ना। जो मेरा दुश्मन है उससे नहीं मिलती। आपकी दुश्मन क्यों है मरियम? क्या चोरी किया उसने? सब पूरा मुल्क चोरी किया, सब चोरी किया। भाई वो शरीफ की बेटी है, नवाज शरीफ की। आप शरीफ बेटी पे इल्जाम लगा रही हो? हाँ। क्यों? वो नवाज शरीफ को आप शरीफ क्यों बोल रहे? सब नवाज बोलना चाहिए। नवाज बोलना चाहिए। हाँ। शरीफ क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि वो बुड्ढा शरीफ नहीं है। उस बुड्ढे में क्या कमी भाई, क्यों नहीं शरीफ? वो बुड्ढा जो है मुल्क से लूट के गया है। आपको कैसे पता कि उसने पैसे लूटे भाई? पता होगा। हाँ, एक साल के बच्चे को भी पता। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मरियम नवाज तो इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है, अगर चोर की बेटी हो, उसने चोरी की हो, तो वो इतनी खूबसूरत क्यों हो फिर? खूबसूरत तो आपको लगती है? लगती है मुझे। अगर इसने सर्जरी नहीं करवाई होती ना, इतनी बुड्ढी होती। कौन बुड्ढी होती? मरियम नवाज। वो इतनी खूबसूरत है, सर्जरी तो करवा ही लेता है बंदा।
खूबसूरत लगती है, बुद्धि है। अच्छा, खूबसूरत लग रही है क्योंकि उसने वो करवाई है सर्जरी। आपको किसने बताया कि सर्जरी करवाई है? मुझे पता है, मैंने बोला ना एक साल के बच्चे को भी पता है तो मुझे भी पता होगा। अच्छा, ये दुआ के बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि ये दुआ को सारी बातें किस तरह से पता चली और खान साहब से ये मोहब्बत बच्चों के दिल से कैसे निकाली जा सकती है। जो खान साहब को साइडलाइन करना चाह रहे हैं, माइनस खान करना चाह रहे हैं, तो क्या ये खान साहब से जो मोहब्बत है ये किस तरह से निकाली जा सकती है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बच्ची को, छोटी सी को सारा कुछ क्यों सिखा दिया भाई? इनको हालात ने सिखा दिया है, ये हालात देखते हैं और हालात को मद्देनज़र रख के इनकी अब अक्ल समझ ले के पुख्ता हो चुकी हुई है। इनको ये पता चलता है कि हमारे पास क्या है और जो हमारे ऊपर बैठे उनके बच्चों के पास क्या है। ये इनकी जब डिमांड नहीं पूरी होती तो हम आगे से कह देते बेटा महंगाई है, तो ये लाजमी आजकल की जितनी जनरेशन है वो आगे से सवाल लाजमी करती है। तो ये पूछते हैं कि बाबा महंगाई क्यों है, फिर हम इनको कहानियाँ सुनाते हैं, लाजमी मतलब जो हम पे गुजरी है वो सुनाते हैं। ये देखते हैं, ये महसूस करते हैं, ये फील करते हैं और इनको अच्छी तरह मालूम है कि हमारे साथ किसने क्या किया है। ये खान के इतने गर्विदा क्यों हैं, ये खान के इतने चाहने वाले क्यों हैं? क्यों? क्योंकि खान ने हमें भी बताया, हमें नहीं था पता भाई, गॉड हमें नहीं था पता कि हमारे साथ क्या हुआ है। 35-40 साल की हमारी एज है, हमें नहीं था आइडिया कि हमारे साथ क्या हुआ है। खान ने हमें बताया कि आप लोगों के साथ ये हुआ है और अब हमें आइडिया हुआ कि वाकई खान जो कह रहा है वो 100% ठीक है। ये समझ ले, ये चोर नहीं है, ये जालिम है। इन्होंने हमारे बच्चों के हकूक छीने, इन्होंने हमारे बच्चों की रोज़ी रोटी छीनी है और मज़ीद छीनने की कोशिश करें। और इनके जो सहूलतकार है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा का वास्ता इस मुल्क पे इन बच्चों पे रहम का है। मरना है, हम सब ने एक दिन जाना है इस दुनिया से और जब जाएंगे अल्लाह के हुजूर हमने लाजमी सवाल जवाब देने। तो क्या जवाब दोगे तुम लोग कि तुम लोगों को मुसल्लत किया गया था, तुम लोगों को हुक्मरान बनाया गया, तुम लोगों को वर्दियाँ दी थी। मैं वर्दी वालों को कह रहा हूँ स्पेशली कि आप लोगों को एक पावर दी हुई है भाई, इस मुल्क में आप लोगों की एक पावर है, 60% मुल्क पर आप लोगों का कब्ज़ा है। आप लोगों को चाहिए इस टाइम हमारे बच्चों पर तरस का है, रहम करें। ये जो हालात है, हम अपने बच्चों के एक सूट के लिए परेशान होते हैं कि हम किस तरह लेके दें। ये जो हालात है, हमारे बच्चे अगर डिमांड कर लेते एक खिलौने के तो हम कहाँ से लेके दें? हम घर के अखराजात पूरे करें या बच्चों के खिलौने? हम एक खिलौना तक नहीं लेके दे सकते, एक साइकिल तक नहीं लेके दे सकते। और इनके बच्चे BMW, मर्सिडीज, फरारी, फलां और डिमका, मतलब समझ से बाहर है। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि आखिर हम इतने सालों से, 40 साल मेरी एज हो गई है, हम क्या, हम एक, हमारे अंदर एक ऐसा रोमांस था, हमारे लिए हमारी फौज चार्मिंग थी सबसे। हम बच्चे होते थे, हमारे गांव में स्कीमों पे आते थे फौजी, तो हम ज़िद करके घरों से पराठे और चाय बना के भाग भाग के उनके पास लेके जाते कि फौजी आए हुए हैं। लेकिन बाखुदा बाखुदा कोई कहे ना कहे, और ये आपने लाजमी शेयर करी, मुझे नफ़रत हो गई है इनसे। ये खेल कूद इस मुल्क के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ, हमारे बच्चों की रोज़ी रोटी के साथ कोई और नहीं खेल रहा, इनकी जरूरत ही नहीं है। ये जो बैठे इनकी जरूरत ही नहीं है, ये अदलिया के हुक्म को कैसे टाल सकते हैं? इनके सामने मिसालें पड़ी हुई है, नाहल किए गए, मुल्क से निकाले गए, जेलों में डाले गए, ये अदलिया के सामने टिक सकते हैं? ये लोग हैं जो इनको मजबूत कर रहे। क्यों? क्योंकि इनको फिर डॉलर्स चाहिए, ऑपरेशंस करने हैं, एक मरतबा फिर इस मुल्क को जंग में धकेलना है। खुदा का खौफ करो यार, तुम लोग कितने बच्चे और मारोगे? मैं वज़ीरिस्तान से बिलोंग करता हूँ, शमाली वज़ीरिस्तान से मैं बिलोंग करता हूँ, हमारे बहुत सारे बच्चे शहीद हुए। ये 80,000 कह रहे हैं ना, इस मुल्क में 80,000 लोगों ने कुर्बानियाँ दी भाई। 80,000 का मैं आपको एक कब्रिस्तान गिनवा सकता हूँ, शमाली वज़ीरिस्तान में एक कब्रिस्तान जो इनकी बमबारियों के जद में आए, जो इनके ऑपरेशन की वजह से, जो बम ब्लास्ट की वजह से इनके ही मुसल्लत किए गए हैं। इन्होंने मुसल्लत की थी ये जंग पहले भी। अब इनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा को देखो, रसूल को देखो, रसूल को मानो, खुदा को मानो, ना मुसल्लत करो जंग मजीद। तुम लोग ये डेली जो बुला लेते हो, ये कौमी सलामती कमेटी, हमें पता है तुम लोग की कौन सी कौम है और कोई किसको सलामत रखना चाहते हो तुम लोग। जी नाज़रीन, जिस तरह से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहाँ पर ना इस्लाम है ना जमहूर है, इसी तरह कौमी सलामती कमेटी के जो इजलास होते हैं, ना वहाँ पर कौम का एजेंडा होता है ना सलामती का एजेंडा होता है,
बल्कि वहाँ पर ऐसी मनसूबा साजी होती है जिसकी वजह से वडेरा जागीरदार बदमाश 21 खानदानों 22 खानदानों की जो जायदादें हैं वो बचाने की प्लानिंग होती है। माजरत के साथ ये मुझे इसलिए अल्फाज कहने पड़ रहे हैं क्योंकि वाकयातन जिस तरह से वजीरस्तान से ये नौजवान ने बताया कि 80 हज़ार नहीं सिर्फ 80 हज़ार वाली एक एक कब्र मौजूद है, जिस तरह से हमें बार बार मसरूई जंगों में धकेला जाता रहा, कभी जहाज अफगानिस्तान के नाम पर, कभी किस नाम पर, कभी किस नाम पर, खुदा के लिए अब कौम का जो किबला है वो दुरुस्त होने दें, अब कौम को होश लेने दें, अब कौम को अपना मुस्तकबिल का तयन करने दें कि कौन इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हकीकी मसाइल का हल पेश कर सकता है, कौन नहीं। ये जमहूरियत से आगे बढ़ सकता है, आवाम से आगे बढ़ सकता है। आपके मुल्क का नाम अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पर इस्लामी इकदार को फ़रोग दिया जाए। इस्लामी इकदार ही वह रास्ता है जो इस इस्लाम और जमहूर को आगे बढ़ने में मामला दे सकते हैं। फिर आपकी जो कौमी सलामती की कमेटी होगी वहाँ पर कौम और सलामती का एक ऐसा वहाँ से मंबा फूटेगा कि इन बच्चों का जो मुस्तकबिल है ये रोशन नज़र आएगा। इसी के साथ फैसला आपने करना है, आवाम ने करना है कि इस धरती माँ का हकीकी किरदार कौन अदा कर रहा है, इस मुल्क की नमूस को कौन पमाल कर रहा है। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान ए के आज़ाद को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए नवाए इंसान, अल्लाह निगहबान। Thank you.